देखिए फ्रेंड्स, ये एक वास्तु का ही बहुत बड़ा अभी एक स्टेप है, पर इसके लिए आपको खुद को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर ये प्रैक्टिस आप नहीं कर पाते तो प्लीज ये टेस्ट मत करना। और दूसरी बात कि हम जो कहते हैं ना पितृदोष, तो वास्तु के अंदर हम कुंडली के हिसाब से जो पितृदोष हमारे जीवन में आता है वो हम मानते हैं, पर ये स्कैनर हमें एक विशेष फायदा देता है कि हम इसमें एक एक चीज ऐसी भी देख सकते हैं कि डेड एनर्जी। अब ये मेरे पास अभी डेड एनर्जी के सैंपल है। अब आपको भली भांति आपको पता है कि हम स्कैनर के अंदर जब भी कोई सैंपल डालते हैं और वो चीज अगर हमें फाइंड होती है तो स्कैनर अपनी एक लैंग्वेज बताता है, स्कैनर खुलता है। तो आज हम इस यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं, ये हमारे इस फैमिली के पितृदेव है, वो पिछले कई सालों से स्वर्गवास हो चुके हैं। तो क्या वो सच में ये डेड एनर्जी है? अगर ये स्कैनर, ये जो पितृ है, ये स्वर्गवास हो चुके हैं, पितृदेव है, अगर ये स्कैनर में हमने डेड एनर्जी का हमने सैंपल डाले, अगर ये स्कैनर खुल रहा है यानी हम क्या डेड एनर्जी ढूंढ रहे हैं, तो 100% ये डेड है। अगर ये स्कैनर नहीं खुलता तो क्वेश्चन मार्क कि ये यहीं कहीं है वो चीज, ये आप मत करना, क्योंकि इसके लिए फिर आपको थोड़ा इसके बहुत डीप जाना पड़ेगा, तो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अब इसके लिए हमें डेड एनर्जी का सैंपल डालना है। आप रख दीजिए स्कैनर, दोनों स्कैनर उनकी फोटो पे रखना है, क्योंकि अभी हम उनकी फोटो लेंगे। आपको एक सवाल होता होगा कि फोटो से कैसे ओरा मिलती है, फोटो से कैसे, कि फोटो वो अग्नि तत्व है। फोटो, हम किसी भी भगवान की फोटो लाते हैं घर के अंदर, तो क्यों हमें घर के अंदर भगवान की फोटो ही वैलिड है, मूर्ति क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि फोटो क्या, एक कॉपी में से हजारों कॉपी बनती है, यानी जो भगवान की जो चीज है ना वो हजारों में एक जैसी दिखेगी। और मूर्ति, एक मूर्ति में से हजार मूर्ति कभी नहीं बनेगी, फोटो हम डेवलपिंग करके हजार बना सकते हैं। इसलिए ही भगवान की फोटो घर में लाने की, जिससे हमें उसकी शक्ति प्राप्त हो। अब हम यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ये जो हमारे पितृदेव है वो डेड हो चुके हैं, ये जो पितृदेव है वो डेड हो चुके हैं, स्कैनिंग कीजिए। यस, चलो, यानी देखिए ये खुल गया, यानी ये डेड है। अब ये एक चीज में आपको, अब ये खास ये फेस में कंसल्टेंट के ये पार्ट करना चाह रहा हूं कि अगर देखो हमने डेड 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 इंसान की फोटो यहाँ पे रखी, तो स्कैनर ने डेड इंसान को तुरंत पहचान लिया कि वो व्यक्ति अभी जीवित अवस्था में नहीं है। अभी हमने यहाँ पे एक लाइव बंदे की फोटो रखी है, अब ये स्कैनर हमारा क्या देता है? अगर ये स्कैनर यहाँ पे खुल गया तो हम समझेंगे कि हमारी पूरी प्रैक्टिस पानी में, डेड एनर्जी है। यानी अगर खुल गया, देखो ये कितना कितना कंफ्यूजन वाला स्टेज है और टेस्ट है कि मैं खुद कंफ्यूजन में आ जाता हूं। अगर खुल गया तो स्कैनर रॉन्ग, अगर नहीं खुल रहा तो नहीं खुल रहा, यानी स्कैनर ने ये इंसान डेड नहीं है। ओके, अब देखना ये स्कैनर, ये इंसान की एनर्जी स्कैन कीजिए। अब आप फटाफट आपके जो दादाजी है ना उनकी फोटो देख ले, एक में खड़े रहे, ये नहीं खुल रहा है, यानी यहाँ देख लिया ये इंसान लाइव है। अब फटाफट अपने दादाजी का सेट कर दीजिए फटाफट, तो हमें पता चलेगा क्या होता है। अब फटाफट एकदम फटाफट अपना कीजिए फटाफट एकदम। देखिए फ्रेंड्स, ये जो टेस्ट है ना, ये टेस्ट एकदम पर्सनली टेस्ट है, होली एंजल्स टेस्ट। ये होली एंजल्स टेस्ट यानी हमारे को कोई ऐसी चीज जो हमारे को सपोर्ट कर रही हो, जैसे हमारे पितर भी हो गए, फिर हमारे कोई दोस्त भी हो गए, या फिर हमारे कोई जिसने हमें सहायता की हो, या उसके साथ हमने कोई चीटिंग की हो, या उसका कुछ हमने खा लिया हो, पी लिया हो, उसका हमने धन ले लिया हो, और वो इंसान अभी अवेलेबल नहीं है पृथ्वी पे, और वो आपके लिए क्या सोच रहा होगा? क्योंकि जिस टाइम पे हमने उसके साथ जो चीटिंग की होगी, कभी ऐसा बनता है ना, जैसे अभी मेरे फादर है, मेरे फादर ने अपने फ्रेंड से पैसा लिया हुआ था, आज हमको प्रॉब्लम आ रही है। क्यों प्रॉब्लम आ रही है? क्योंकि मेरे फादर ने उसको वो पैसा नहीं दे पाए,
तो वो अभी इंसान पृथ्वी पे नहीं है, पर उनकी जो नेगेटिव उस टाइम पे जो नेगेटिव थॉट है वो आज तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा, यानी मुझे वो सुख हासिल नहीं करने देंगे। ये कहते हैं कर्मों का फल, होली एंजल्स को हम कर्मों का फल भी कह सकते हैं। ये पर विवर आप जो प्रैक्टिस करते हो वो कहीं आप ऐसा ये टेस्ट किसी के घर पे मत करना, पर आज मैंने ठाना है कि आपको हर चीज से स्कैनर क्या है उससे मेरे हर व्यूवर्स को और मेरे हर कंसल्टेंट को परिचित करवाना चाहता हूँ। अब इसकी भी लैंग्वेज है ये होली एंजल्स, अगर इस घर के अंदर कोई ऐसी चीज सपोर्ट कर रही हो उनको उनको आगे लाने के लिए, तो ये हंसते हंसते खुल जाएगा। अगर कोई चीज इनको सपोर्ट नहीं कर रही बल्कि उनको अच्छा होने में बाधा दे रही है तो ये नहीं खुलेगा। तो इसके लिए डरने की कोई जरूरत नहीं है, छोटा बड़ा उसका एक उपाय है जो हम कर देंगे। इस घर में फरिश्ते होली एंजल्स की एनर्जी स्कैन कीजिए। चलो अच्छी बात है, ये भी टेस्ट अच्छा है, क्योंकि आज हमें हर टेस्ट देखना है। किसी को हम ऐसा नहीं कह सकते कि आप ये मकान बेच के शिफ्ट हो जाओ, हमें इस मकान की जब तक माइनस पॉइंट नहीं प्राप्त होते तब तक हम इस मकान का कोई कमेंट नहीं कर पाएंगे। ये भी आपका एकदम 100% आ गया। चलो अपन अब ये हम दूसरा स्टेप अगले स्टेप पे जा रहे हैं, कॉस्मिक ऊर्जा। कॉस्मिक ऊर्जा यानी दिव्य शक्ति। हमने हमको यहां से ऐसे कहने में आया कि हम सुबह से शाम तक पूजा कर रहे हैं, हमने मान लिया तो फिर दुखी क्यों? आपकी पूजा कर रहे हो परफेक्ट है, पर आपकी पूजा परफेक्ट भगवान के पास जा रही है? वैसे तो देखिए हर दिशा में भगवान है, भगवान को हमारी पूजा की जरूरत नहीं है, पर भगवान को हम जो देना चाहते हैं वो हम उसको नहीं दे पा रहे, क्योंकि वो भगवान हमारे कैरेक्टर से पूजा पाठ नहीं मांग रहा, और कुछ मांग रहा होगा वो जो हम नहीं दे पाए। तो ये है कॉस्मिक ऊर्जा का सैंपल। अगर यहाँ पे ब्रह्मांड से पॉजिटिविटी आ रही हो, यानी ब्रह्मांड की पॉजिटिविटी ईशान कोण से आ रही है, अगर वहां से कॉस्मिक ऊर्जा आ रही है परफेक्ट घर के अंदर, तो ये स्कैनर ऑटोमेटिक खुल जाएगा। अगर कॉस्मिक ऊर्जा घर के अंदर नहीं आ रही तो यहाँ की पूजा पाठ में भी कोई कमी है, या फिर उनके ईशान कोण में कोई कमी है, क्योंकि बंदा पूजा पाठ कर रहा है पर ईशान कोण के अंदर वास्तु दोष है तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि पृथ्वी के बाद अगर भगवान का कोई स्थान है, सॉरी अगर स्वर्ग लोक के बाद भगवान का कोई स्थान है तो हमारे घर का वास्तु, यूं ही हम घर को स्वर्ग कहते हैं। एक स्वर्ग ऊपर है, दूसरा स्वर्ग नीचे, और वह स्वर्ग का ईशान कोण वहां हमारे भगवान का वास है। अगर ईशान कोण के अंदर शौचालय आ गया, टॉयलेट आ गया, तो क्या हो गया? भगवान को हमने डिस्टर्ब कर दिया। इसलिए ही वास्तु का इंपोर्टेंस है, ये बहुत समझने वाली बात है। अब हम आगे बात करेंगे। इस घर की कॉस्मिक ऊर्जा स्कैन कीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जीरो आ रही है। रीजन क्या है कि अगर इन यहाँ के जो मेंबर कह रहे हैं कि हम बहुत पूजा कर रहे हैं, तो मेरे माइंड में तो बैठ नहीं रही कि यहाँ पे कुछ है, पर मैंने ये घर आते ही देख लिया था, तो इनके वो मैं आपको क्लियर बताऊंगा, वो मैं बाद में बताता हूं यहाँ पे दोष क्या चीज है, ये क्यों नहीं खुल रहा, क्योंकि अभी मैं कह दूंगा तो मजा नहीं आएगा। ये आप देखिए, ओके, वापिस एक बार। अब इसका कॉस्मिक ऊर्जा का एक दूसरा पॉजिटिव यहाँ पे अगर बढ़ाना चाहते हैं तो हम इस तरह से बढ़ा सकते हैं। आप ओम का जाप कीजिए, ओम ऐसे कंटिन्यूटी बोलना, ओम ओम। ये देखिए आ गई, अब इसको जैसे ये आगे, चलो बोलो बोलो, देखा। अब हम यह आगे टेस्ट करेंगे। चलो अब हमारा दूसरा जो स्टेप है यहाँ पे ग्लोबल ऊर्जा। ग्लोबल ऊर्जा यानी कंस्ट्रक्शन। ये इन्होंने इतना मन बना दिया है कि हमें ये घर में रहना ही नहीं है, पर हम यहाँ पे वो ढूंढ के ही रहेंगे कि ये घर में क्यों नहीं रहना, और उसको सोल्व करने की भी कोशिश करेंगे कि सोल्व करके आप रह सकते हैं, वो भी आपको अभी हम बताने की कोशिश करेंगे। अब ये ग्लोबल, ये जो मेरे अभी कंसल्टेंट, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो खास अब जो हमारा किसी भी रेसिडेंस में आओ तो आप दूसरा ये टेस्ट करना ग्लोबल। ये दूसरा तीसरा मैं भूल गया हूँ आपको सिक्वेंस बिठा देने का। अब ग्लोबल ऊर्जा, ओके, अब हम पूछेंगे। अब इसकी भी आपको मैं थ्योरी बता दे, तो अगर ये खुल गया तो यहाँ पे ग्लोबल यानी ग्लोबल एनर्जी बहुत है, अगर ये नहीं खुला तो यहाँ पे वास्तु दोष है। सीधा सिंपल,
घर पे जाओ, सेंटर में जाओ, बोलो इस घर की ग्लोबल ऊर्जा चेक कीजिए, नहीं खुल रहा तो बंदे को लिस्ट बना दो कि आपके घर में 25,000 का खर्चा है, वो मना ही नहीं करेगा, क्योंकि वो 25,000 देखेगा या अपने घर की फैमिली की लाइफ देखेगा। अगर जो पत्नी को प्यार करता होगा तो वो तो 25 के 50 दे देगा, क्योंकि मैंने बहुत लिए घरों में से। अब देखो, पूछो इस घर की ग्लोबल ऊर्जा स्कैन कीजिए। देखो यहाँ पे ये जीरो आ रहा है, यानी यहाँ पे वास्तु दोष का भंडार है, फिर कहां से उनका मन नहीं लगेगा। यही रीजन है, क्योंकि वास्तु दोष होता है तो वो अपने मन पे असर करता है, मन पे असर करता है तो फिर हमारा मस्तक यानी हमारा मनोमस्तक में उसकी इफेक्ट जाती है और आदमी गलत गलत सोचता है। काम करने को भेजेंगे, काम नहीं करेगा घर पे आके झगड़ा करेगा। अगर काम करने वाला बंदा होगा तो वो कहीं पे भी काम करेगा, किस्मत उसको साथ नहीं देगी। बाकी कोई गलत नहीं है, जो घर पे झगड़ा भी कर रहा है वो भी गलत नहीं कर रहा, और जो काम करने जा रहा है उसको किस्मत साथ नहीं दे रही, उसकी क्या गलती है, क्योंकि किस्मत भी हमारे घर से ही हमें हमको साथ सपोर्ट करती है। घर पॉजिटिव है तो सब कुछ पॉजिटिव है। आप घर ही क्यों बना दो, जंगल में रहने चले जाओ ना। अगर घर इंपोर्टेंस नहीं है तो जंगल में क्यों नहीं रहते, जंगल में घूमने जाते हो एक दिन दो दिन दस दिन, फिर कहां आते हो, तुरंत घर। क्यों? क्योंकि घर कैसा भी हो पर घर घर है, और वो घर अगर बीमार है तो आप बात ही मत करो। आपने कोविड का जो भी चल रहा है उसके लिए कितना पैसा लगा रहे, जैसे होता है वैसे उसका इलाज करवा रहे, तो कभी देख लो घर का इलाज कर लो, वो कोविड से भी बड़ी गंभीर बीमारी है। कोविड एक इंसान को ले जाता है, घर पूरी फैमिली को ले जाती है अगर उसको प्रॉब्लम है तो। अब जो हमारा जो अगला स्टेप है वो जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन पे डिपेंड है। अगर आप कंसल्टेंट होके किसी घर पे जा रहे हो तो वहां पे अगर वास्तु को आपने बहुत इंपोर्टेंस दे रहे हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वास्तु को इंपोर्टेंस मत दो, पर वास्तु को इंपोर्टेंस देने के साथ साथ ये भी देखो कि उस घर के जो बंदे हैं वो आपकी वास्तु की रेमेडी को एफोर्ड कर सक रहे हैं, उनके पास ऐसी सिचुएशन है कि उनके शौचालय तोड़ सके, किचन तोड़ सके, बेडरूम चेंज कर सके, तो उसके साथ साथ भगवान ने इस स्कैनर की सहायता से एक और चीज हमें सर्च करने का बहुत अच्छा मौका दिया है, जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन। ये जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन क्या है? जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन एक साइंटिफिक एक प्रॉब्लम्स है। अगर उस स्ट्रेस लाइन के ऊपर इस घर का कोई भी बंदा बैठता होगा और वही बंदा घर का कमाने वाला होगा तो फिर भूल जाओ, क्योंकि आप उसी कुर्सी पे बैठते हो जो कुर्सी मजबूत होती है। आप किसी फंक्शन में गए, 10 कुर्सियां थी, 10 लोग बैठ गए, एक कुर्सी खाली है पर वो टूटी हुई है, तो आप बैठोगे? नहीं बैठोगे। कब? कि आपको पता है कि वो कुर्सी टूटी हुई है। तो आप जिस घर में रह रहे हो ना, उस घर के अंदर आपका बेडरूम है या आपका किचन है वो समझो टूटा हुआ है, वहां पे इतनी नेगेटिविटी है, वहां पे किचन में गटर है और गटर पे आपका खाना बन रहा है, तो आप खाओगे? नहीं खाओगे। जब पता चलेगा तो नहीं खाओगे। तो ये जो टेस्ट है वो जियोपैथिक टेस्ट है। पर वो ये चीज इस घर में अवेलेबल है कि नहीं, उसके दो चीज है वो। एक तो सबसे पहले हम इनके यहीं पे वापस जाएंगे और पूछेंगे कि इस घर के अंदर जियोपैथिक, इसके अंदर हमें ऐसा खड़ा रहने की जरूरत नहीं है, घर के अंदर ही खड़े रहो, इस घर के अंदर जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन है तो देखो ये अंदर की तरफ आ रहा है, यानी है। फिर हम इसको घर के सेंटर पे जाके पूछने की कोशिश करेंगे, इस घर के अंदर जियोपैथिक अवेलेबल है? तो ये देखिए खुल गया, यानी 100% यहाँ पे अवेलेबल है। अब हमें यहाँ पे एक तो ग्लोबल एनर्जी जो जीरो फ्रीक्वेंसी पे मिली, जियोपैथिक स्ट्रेस जो 100% यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पे मिला, दोनों को हमें ढूंढना है। पहले हम ढूंढेंगे क्या यहाँ पे ग्लोबल एनर्जी यानी वास्तु दोष है कि नहीं। और वास्तु दोष जब भी आपको ढूंढना हो, आप समझो आप कंसल्टेंट नहीं हो, ऐसे ही अपनी इमेज, ऐसा ही अपना एक माहौल बनाओ कि मैं वास्तु को जानता ही नहीं हूं और यहाँ पे वास्तु दोष ढूंढने आया हूं, तो आपको क्या करना है, इसमें नेगेटिव के सैंपल का आपको प्रयास सहायता लेनी है और उसको कमांड देना है कि मुझे इस घर की नेगेटिव जगह पे लेके जाओ, जहां जहां से वास्तु दोष हमारे जीवन में और हमारे घर के अंदर आ रहा है। स्कैनर आपको वहां पे जाके खड़ा करेगा, फिर आप पूछ लो कि इधर मैं क्या करूं, इधर मैं क्या ट्रीटमेंट करूं। स्कैनर बोले वो ट्रीटमेंट कर दो, 2 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर वो घर के अंदर पैसों की बरसात हो जाएगी। अगर वो बंदे कमाना चाहते हैं तो, अगर वो घर में रह रहे हैं तो बात अलग है, पर वो बंदे सच में क्रेजी है, लाइफ को बहुत सुंदर बनाना चाहते हैं, तो आप उनके लिए इतने बड़े आशीर्वाद बन के जाओगे ना
कि आप 100% उस घर के अंदर भगवान की सहायता से, भगवान की इच्छा से, भगवान ने आपको शायद उस घर के लिए ही जन्म दिया होगा, ये सोचना। भगवान ने आपका जन्म फालतू में नहीं किया, उनके पास कहाँ टाइम था कि आपको बनाया। टाइम आपके माँ बाप के पास था, आपको बनाने में उन्होंने परिश्रम किया, पर वो वहां ऊपर कब वो चीज हुई कि भगवान ने वो चाहा कि आपको भेजे, तो आपको भेजा शायद इसी घर के लिए कि जा उस घर के अंदर वास्तु करके आ और वहां पे पॉजिटिव इफेक्ट दे के आ। यानी अपने आप जो भी जितने भी कंसल्टेंट हो, नेक्स्ट टू गॉड हो, जितने भी वास्तुशास्त्री है, जितने भी डॉक्टर है, जितने भी वकील है, जितने भी पुलिस है, ये सब जो है ये सब नेक्स्ट टू गॉड है, जो आदमी को समस्या में से बाहर लाते हैं। भगवान तो खाली सुनता है, वो वहां से एक लेटर देता है और उस वकील को कहता है जा इसका केस लड़, उसको प्रॉब्लम इसमें से बाहर निकाल। यानी भगवान वहां से खाली फ्रीक्वेंसी देता है और कोई आके आपकी मदद करता है। अब यहां से हम वास्तु दोष कहां पे है वो ढूंढने की कोशिश करेंगे। वैसे हम लोग तो जानते ही है, पर आपको ऐसा प्रेजेंट होना है वहां पे कि हम जानते नहीं है, जो जानता है ये भगवान की दया से और भगवान के हिसाब से हमने जो स्कैनर की उपासना की है वही सब कुछ जानता है, क्योंकि आपको इसको बहुत ही इंपोर्टेंस देना पड़ेगा तो ही ये आपका काम करेगा, बाकी ये भी बहुत बड़ी चीज है। अब हम यहाँ से कमांड देंगे और इसमें खास सब देखिए, इसमें जो हमें सैंपल डालने, नेगेटिव के सैंपल डालने के, नेगेटिव के सैंपल लैंग्वेज वही, अगर नेगेटिव प्राप्त होता है तो तुरंत खुल जाएगा। ओके, अब सबसे पहले हम पूछेंगे हमें इस वास्तु की नेगेटिविटी जहां से हमारे इस वास्तु में आ रही है वहां तक हमें ले जाइए। अब ये देखिए, ये मुझे मेरी लेफ्ट साइड जाने को कह रहा है स्कैनर। अब मैं यहां से स्कैनर को धोखा दे रहा हूं, मैं यहां जाना चाहता हूं और स्कैनर मुझे वहीं कह रहा है। क्यों, ऐसा क्या है उस वहां पे, मुझे क्यों ये इधर नहीं जाने देता। अब मैं यहां पे वापिस सोच रहा हूं कि मैं हम भगवान के पास जाए, पर भगवान के पास से भी मुझे उसको ने फेंक दिया, क्या हमारी जगह वहां नहीं है जो हम ढूंढ रहे। अब ये देखिए हमें टर्न कर रहा है, एक यहां पे कोई एक यूनिट बना हुआ है, ये हमें टर्न कर रहा है। अब तो भी हम इसको यहां से स्ट्रेस दे रहे हैं स्कैनर को कि हमें यहां लेके जाइए। अब यहां पे ये यूनिट बंद है तो ये हमें हमको यहां से यहां पे ले जा रहा है। अब देखिए ये पूरा इनका ये जोन है, पूरा नेगेटिव जोन है। अभी आप चलो पूरा देखिए, ये पूरा इनका जो जोन हमें प्राप्त हुआ नेगेटिव जोन है। क्या कारणवश यहाँ पे नेगेटिविटी है, एक तो यहाँ पे इनका मशीन का स्थल है कपड़े धोने का जो नेगेटिव जनरेट करता है, और दो ये यूनिट है, दो यूनिट को हम देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे इनका शौचालय है और यहाँ पे ये इनका वॉशरूम है। यानी अब देखना स्कैनर हमें क्या कमांड ले रहा है। अब देखिए ये पूरा नेगेटिविटी। अब जरा ये क्रिस्टल वहां पे स्टॉप कर। अभी आपको हमने ये जोन का जो नेगेटिविटी स्थान बताया, तो उसकी हमारे पास एक ट्रीटमेंट है क्रिस्टल बॉल, जो आप हमारी पिछली वीडियो से परिचित हो। ये क्रिस्टल बॉल को आप ये शौचालय के पास खड़ा रखना, तो जैसे ही ये यहाँ पे शौचालय के पास क्रिस्टल बॉल लगाते हैं तो स्कैनर हमें वहां से टर्न कर रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे नेगेटिविटी है। ओके, अब दूसरा ये इनका पूरा ईशान कोण के अंदर किचन है। अब यहां पे आप देखोगे तो जो हमने कहा था कि भाई भगवान का स्थान जो इनका ईशान कोण में है, ऑलरेडी यहां पे भगवान का स्थान उन्होंने ईशान कोण में बनाया हुआ है, पर गलती क्या कर दी है कि यहाँ पे किचन है। यानी ये जल तत्व का स्थान है और वहां पे फायर एलिमेंट है, तो कहां से यहां से उनको कॉस्मिक ऊर्जा प्राप्त होगी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी यहाँ पे है। अब इसकी जो हम ट्रीटमेंट करेंगे, वहां पे क्रिस्टल बॉल रखना क्या इफेक्ट आ रही है, रख दीजिए प्लेटफॉर्म पे रख दीजिए। तो देखिए ये स्कैनर 180 डिग्री पे चला गया, क्योंकि जो भी हमारी ट्रीटमेंट है ना वो पावरफुल ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे यंत्र का यूज होगा जो हम करेंगे। यानी ये सब कंटेंट के बाद हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे कितना बड़ा वास्तु दोष है।